कुल्लू में चार सालों से भूतनाथ पुल की समस्या से तंग आकर आखिर कांग्रेस ने पुल को तिलांजलि दे डाली। सोमवार को कांग्रेस के द्वारा पहले तो अर्थी यात्रा निकाली गई और भूतनाथ पुल पर ही अर्थी को अग्नि देकर इस मसले को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में हिमाचल में यह पहली बार सामने आया है कि किसी पुल की शव यात्रा निकाली गई है और उसके बाद उसे अग्नि भी दी गई हो। इस मामले में कांग्रेस ने जहां सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं उन्होंने अब इस मुद्दे को ही खत्म करने की बात कही। विधायक सुंदर ठाकुर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब जब प्रदेश में नई कांग्रेस सरकार बनेगी तो यहाँ पर नए पुल का भी निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ही साफ नहीं है। आज देखो यहाँ पे आप, हम कम से कम इस वक्त इतने लोग इसमें हैं 500-700 लोग, और जो यहाँ पे ये गार्डरों का वजन है ये सारा जोड़ के यहाँ पे 10 टन से ऊपर वजन है इस वक्त, और इसको कोई फर्क नहीं है, इस पुल को कोई धड़ाम से नहीं गिर रहा है। एक बस का जो वजन है लगभग 5 टन से ऊपर नहीं होता, तो यहाँ पे अगर कंट्रोल में यहाँ ट्रैफिक चलाई जाती तो क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे कुल्लू शहर में गाड़ियाँ बड़ी बसें नहीं आ सकती थी, और यहाँ पे पोस्ट लगाई जाती अगर इनको खतरा ही था। वैसे तो कोई भी खतरा, ये पुल कभी भी धड़ाम से नहीं गिरेगा, सिर्फ इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस पुल में ये कुछ अफसरों को बचाना चाहती है, वो अफसर आज भी इनकी सरकार में है, उनको बचाना चाहती है। बेशक ये पुल किसी भी सरकार में बना है, लेकिन वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो इसमें तहकीकात करती, इसमें विजिलेंस इंक्वायरी बिठाती, इसमें CBI की इंक्वायरी बिठाती और दूध का दूध पानी का पानी लेकर आती कि कौन से अफसर है जिनकी वजह से आज ये इतना बड़ा भूतनाथ पुल जो है ग्रस्त हुआ है। आज हमने भूतनाथ पुल का मुर्दा फूका है, ये मुर्दा जल गया है। अब इस सरकार के सामने हम कभी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे, मुर्दा फूक चुका है। अब ये इस भूतनाथ की आत्मा को इस भाजपा सरकार से मुक्ति मिले, और आने वाले वक्त में जब नई सरकार आएगी तो यहाँ पे नया इंतज़ाम होगा, नया जो यहाँ पे कनेक्टिविटी होगी और बहुत बेहतर होगी। आज ये बस अड्डा बना है कुल्लू शहर में, आज भूतनाथ पुल पे इस सरकार ने 2.5 करोड़ रुपया सिर्फ इसी बात पे खर्च कर दिया कंसल्टेंसी के नाम पे, और कुछ बोला विशेषज्ञों की राय ली गई थी। पहले तो इन्होंने इस भूतनाथ की हत्या की पुल की, फिर उसके बाद इसके मुर्दे पे भी इन्होंने पैसे खाए, 2.5 करोड़ की कंसल्टेंसी के पैसे खा लिए, और उसके बाद क्या निकला, किस भूतनाथ को एक पिलर लगा के जिंदा किया जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता 4 सालों से यहाँ पे वक्त की बर्बादी हुई है, हमारे क्षेत्र के जनता का यहाँ 3 करोड़ का बैली ब्रिज लगाना पड़ा, 1 करोड़ का बैली ब्रिज बह गया, आप देखिए 5-7 करोड़ रुपया, और उसके बाद इस पुल की लागत, ये 5 सालों का इस सरकार का 4 सालों का कारनामा है। आज हमने ये मुर्दा जला दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये सोई सरकार से इस भूतनाथ पुल की आत्मा को शांति मिलेगी, और आने वाले वक्त में यही भूतनाथ का पुल इस सरकार को भूतकाल में ले जाने के लिए यही जो है कारगर साबित होगा। ऐसा ही मुर्दा हम थोड़े दिनों के बाद